today we are going to talk about circulars that are mostly issued by sebi right so these three news are going to be related to sebi as an organization what new things that they have brought up right okay and also before uh, starting the video a little piece of information that i wanted to give so a lot of enrolled students wanted a compilation of all the pdfs that you are getting that, uh, on a weekly basis you want it to be compiled so that will be given to you and also in the last video itself, Anutsar has talked about the fact that RBI 247 ki relevance, bahut hai, right? So RBI 2.4 sessions are going to be very important. And because of that, we are thinking of moving from you know uh, giving videos from three days a week to one day a week, wherein

क्या नया कंट्रोल प्रोसीजर लॉन्च करने वाले हैं यू हैव टू टेस्ट इट इन अ लाइव एनवायरमेंट इनिशियली एंड देन ब्रिंग इट यू नो इन द लार्जर मार्केट ठीक है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में भी यही होता है टेस्टिंग होती है पहले ऑन अ स्मॉलर स्केल राइट सो सिमिलरली ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क सेबी लेके आया है फॉर एम आई आई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज एम आई आई सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन दिस वॉज ऑल्सो आस्ट मी इन माई इंटरव्यू

And get a DMAT account vayenge, and then they will buy the stock of the company or shares of the company, right? So, these institutes, hai, stock exchange, depository, or uh, here this purchase and sale of shares, koi clear. Bhi kar hoga. So, there is a clearing corporation, right? So, these organizations or institutions, for example, stock exchange, depositories, right? DPs, depository participants, clearing corporation, they become Institution or infrastructure towards this entire process of stock exchange, right? As trading, right? So ye ek infrastructure hai pura. So these are called as market infrastructure institutions. They are working so that puri transaction of you know trading and selling uh, trading trading, which includes buying and selling of stocks, shares, yeah, other kinds of securities can be done in a smooth and efficient manner. So these institutions work towards. स्मूदर एंड एफिशियंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज ये मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सो दे आर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर राइट सो दीज आर स्टॉक एक्सचेंजेस डिपोजिटरीट्यूशन एंड देख पार्ट ऑफ द नेशन वाइटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज

और मार्केट में जो भी हो रहा है इनके बिना नहीं हो पाएगा सो दैट इज द बेसिक मीनिंग एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है BMAT के बिना कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैसे करेगा स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा तो शेयर आप कहां पे लिस्ट करोगे या कहां से बाय करोगे राइट सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दे होल्ड इन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द इंटायर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है आई रिपीट दे होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द दर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनको बोला गया है एम आई आई फर्दर इनको सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट भी बोला गया है राइट सो आरबीआई ऑलरेडी सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक के बारे में बात करती है आई आई डी आई टॉक्स अबाउट सिस्टमिकली इंपोर्टेंट इंश्योरर्स, राइट अब

बहुत ज्यादा फॉल देखा गया था सो दिस आर सिस्टमिकली इंपोर्टेंट राइट एम आई आई कालीफ यू आर एन इन्वेस्टर आपको स्टॉक uh, कोई शेयर परचेज करना है या ट्रेड करना है सेल करना है राइट right? सो so, ये पूरा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इकोनॉमी में यू नो परचे और जो मनी है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है

ईजर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग अनप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट सिंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अब सेबी ने क्या बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट इट इज इंपेरेटिव टू डिवाइस अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है तो जब भी कोई नया सिस्टम आता है लेट्स से आईटी सिस्टम आया किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल यू नो की अटेंडेंस के लिए पंचिंग कार्ड लगा दी है राइट सो दिस इज अ न्यू आईटी सिस्टम दैट इज ब्रॉट अप राइट अब उसमें जो एक कंपनी है इज सच अ थिंग फर्स्टली दे आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू डू प्री टेस्टिंग ऑफ दिस सिस्टम दैट दे आर गोइंग टू डिप्लॉय एंड वंस इट इज डिप्लॉय हर साल में पोस्ट टेस्टिंग भी होती है कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं विच इज ऑल्सो एज कंट्रोल टेस्टिंग ठीक है

थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या किसी क्लाइंट को कुछ काम करके दे रहे हैं राइट इन दैट केस आईटी सिस्टम्स आर डिप्लॉइड इन दैट केस एप्लीकेशन आर यूज फ्रॉम थर्ड पार्टी तो उसमें देर हैजू बी अ टेस्टिंग डन उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए एंड उस टेस्टिंग का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मेंशन होना चाहिए ओके नाउ दिस कैन दी एम आई आई इन परफॉर्मिंग

ये करने के बाद इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय स्कॉट वंस द कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी इज एस्टैब्लिश इट हैज टू है अप्रूव स्कॉट वॉट इज स्कॉट स्कॉट इज स्टैंडिंग कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी हर एम आई आई की ऑफ द रिस्पेक्टिव एम आई आई जो डिप्लॉय कर रहा है सिस्टम दे हैव टू गेट इट द मेथोडोलॉजी इज टू बी अप्रूव बाय स्कॉट स्टैंडिंग कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी थर्ड वन इज अबाउटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिस्टम या कोई थर्ड पार्टी एप यूज कर रहे हैं राइट अलॉट ऑफ टाइम्स हम बी टू बी ट्रांसैक्शन करते हैं कोई कंपनी बी टू बी ट्रांसैक्शन करती है किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है अपना काम राइट आई टी सिस्टम डिप्लॉय करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को यूज करती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेन्स के लिए राइट सो इन दैट केस ऑल्सो क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो दैट हैज टू बी स्टैब्लिश एंड मैं

that has to be tracked and it has to be changed remediated immediately after that it has to ensure that the result of all testing including the result of user acceptance testing jo bhi aap testing kar rahe hain usme ek testing aur hogi that is user acceptance testing wo aapko auditor ko report karni hai ऑडिट्स बहुत तरीके की होती हैं सेटरी ऑडिट होती है इंटरनल एक्सटर्नल तो होती है उसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट भी होती है Similarly, network and system testing audit होती है सिस्टम एंड नेटवर्क ऑडिट वेर इन टेस्ट द नेटवर्क एंडम स्पेशली आई टी कंपनी करी थी ये उसका रिजल्ट है और हमारे पास रिपोर्ट आ गई दिस होप आपको समझ आ गया होगा इस फ्रेमवर्क में क्या क्या बात हो रही है सबसे पहले एक्सटेंसिव टेस्टिंग करनी है बिफोर डिप्लॉइंग वंस इट इज डन कॉम्प्रेहेंसिव मेथोडोलॉजी होनी चाहिए विच शुड बी अप्रूव्ड बाय द स्पॉट देन क्या पॉलिसी आपने आफ्टर दैट इफ देर इज एनी डिफॉल्ट इन द टेस्टिंग प्रोसीजर उसको आप यू नो रेमिडिएट करो इमीजिएटली एंड ऑडिटर्स को चेक करवाओ अपनी रिपोर्ट ठीक है सो दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज अबाउट एम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ओके द सेकेंड न्यूज इज अबाउट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बहुत पुरानी चीज है कोई नई नहीं, नहीं है ऑलरेडी आरबीआई ने पूछा हुआ है लास्ट ईयर वॉट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर तो पहले एक बार लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर पढ़ लेते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड वाई दे आर इन न्यूज ठीक है सो so, सबसे पहले एलई आई होता क्या है इट इज अक ट्वेंटी कैरेक्टर कोड

अपने जिनका एक्सपोजर टोटल एक्सपोजर मींस टोटल बरोइंग इस मोर देन पहले 50 करोड़ था फिर 25 करोड़ करा अब 5 करोड़ कर दिया सो so जब ये इनिशियली आया था तो 50 करोड़ था जिनकी 50 करोड़ से ज्यादा की बरोइंग है दे हैव टू गेट एन एलआई फिर बाद में जाके 25 करोड़ हुआ देन अब 5 करोड़ है ठीक है दिस वाज सपोज टू बी डन इन अ फेस्ड क्यों कम हो रहा है व्हाई इज दिस डन सो दैट जितने जिन्होंने भी 5 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग करी है दे शुड हैव एल ई आई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर राइट सो दैट द बोरोइंग कैन द बोरोअर कैन बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली ओके नाउ दिस इज डिजाइन टू क्रिएट अ ग्लोबल रेफरेंस डेटा सिस्टम एक पूरा डेटा बेस जो बना हुआ है ग्लोबली कि कौन से एंटिटी uh, ने कितना लोन लिया हुआ है उसके हिसाब से

Such, आपने कोई फंड नहीं लिया पत, अगर बैंक आपकी गारंटी दे रहा है सो so uh, you know, right? so बैंक, बैंक देना लाइबिलिटी पड़ेगा सो इट इज काइंड ऑफ अ लोन विच इज गोइंग टू कोई किसी भी तरह के तरीके के एक्सपोजर इफ इट इज मोर देन फाइव करोर देन यू हैव टू गेट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोर्ट ओके

बाय द जी ई आई एफ जी एल ई आई एफ ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन राइट ये ग्लोबली काम कर रहा है सिमिलरली जैसे हमने अभी बात करी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है सो दिस इज वर्किंग ग्लोबली ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन सो एलओयूज आर अडिटेड बाई दिस इंडिया में देर इज एल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन राइट इंडिया में देर इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंड इंडिया लिमिटेड यस ई आई आई एल एल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड यहां से यू कैन ऑप्टेन योर एल ई आई कोड एनी नॉन इंडिविजुअल बोरवर कैन ऑप्टेन देयर ई आई कोड दिस इज सब्सिडरी ऑफ सी सी आई एल राइट ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट हाउ वन कैन ऑप्टेन दिस ठीक है नाउ व्हाई दिस हो गई बॉन्ड या डिबेंचर या लिया हुआ है किसी ने लोन लिया हुआ है सो एनी इशुअर दैट अ लोन और डिबेंचर इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर और बॉन्ड्स सो ऐसी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जिनकी लिस्टेड है any issuer that have outstanding listed non-convertible securities I hope you understand what is non-convertible security which cannot be converted into equity shares okay so any let's suppose bond hai kisi company ka ya debenture hai kisi company ka right 20 crore ka now they also have to obtain LEI and uss code ko they have to mention in the सेंट्रल डेटाबेस और ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो भी कॉरपोरेट बॉन्ड्स इशू होते हैं उनका एक सेंट्रल डेटाबेस है सारी डिपोजिटरीज को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑल द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन बाय द डिपॉजिटरीपोरेट बॉन्ड जितने भी बॉन्ड्स इशू होते हैं डिवेंटर इशू होते हैं डिपोजिटरी टू दिस सेंट्रल डेटाबेस ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स राइट सो एलईन करना है बाई एवरी इशुअर आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ठीक है एंड इसके अलावा हैविंग आउटस्टैंडिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट विच आर सिक्योरिटाइज इसमें सिक्योरिटी रिसीट भी आ जाएंगे रिमेंबर सिक्योरिटी रिसीट हमने एन में पढ़ा था एन आर सी एल इशू सिक्योरिटी रिसीट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इश्यू करती है सिक्योरिटी रिसीट राइट अगेंस्ट देयर एसेट विच दे है So, फॉर्म में इश्यू करा हुआ है लोन kind of या फिर सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट किसी कंपनी के पास दे है कब तक करनी है बिफोर फर्स्ट सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आई होप इतना समझ आ गया इफ एनी इशुअर

so this was a news lei why was it a news Ye humne dekh lia, pura. okay so the third news to, uh, about is about transition bonds we have already discussed about esd framework a lot of times environment social governance framework of this framework ke handa, this is a very broad framework related to environment social governance any company or any you know municipal organization any institute which they want to raise money अगर आप मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो एंड यू टू यूटिलाइज दैट मनी इन रिलेटेड टू जी एनवायरमेंट यू नो सोशल और गवर्नेंस सेक्टर में एरियाज में इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट दैट मनी इफ यू टू यूटिलाइज दैट मनी देन यू कैन इशू बॉन्ड्स और यू नो गेट मनी फ्रॉम आउटसाइड ठीक है नाउ इसके अंदर हमने ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है इसके अंदर हमने ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा था इस फ्रेमवर्क के अंदर वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको डिस्कलोज करना है सो एनी कंपनी ग्रीन बॉन्ड्स और उन ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा वो किसी यू नो एनवायरमेंट रिलेटेड कॉज में लगाएंगे एनी सेक्टर दैट इज वर्किंग टूवर्ड्स द इनवायरमेंट चाहे इमिशन रिड्यूस कर रहा हो कार्बन कैप्चर क्रिएट कर रहा हो रिन्यूएबल एनर्जी में लगाएंगे वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट ऑल यू नो थिंग्स इन्वेस्ट एरिया कैन इनवेस्ट इन एंड सिमिलरली वी ऑल्सो डिस्कस अबाउटर रिक्वायरमेंट क्या क्या उस कंपनी को देना है वो इम्पैक्ट असेसमेंट जिसमें था राइट सो दीज आर ऑल द डिस्लोजर रिक्वायरमेंट जो किसी कंपनी को करने होते हैं इनकेस देइंग ग्रीन बॉन्ड्स अब ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर एक कैटेगरी है ट्रांजिशन बॉन्ड्स

my uh, area and also the second one was working towards uh, you know solar energy. Theke. Okay, so transition bonds are subcategories of the definition of green debt securities as per SEBI transition bonds comprises of funds, funds that are raised for transitioning funds that are raised for transitioning to a more sustainable form of operations that is in line with India's INDC.

सबसे पहले दैट देआर ट्रांजेक्शन बॉन्ड्स हमें जिस चीज के लिए पैसा चाहिए वो एक्चुअली ट्रांजेक्शन बॉन्ड्स है आपको जो बॉन्ड इशू हो रहे हैं डीजा ट्रांजेक्शन बॉन्स दे आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स ट्रांजेक्शन आर ऑपरेशन तो पहले ये डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट उसके अलावा

उसके लिए दिस एक्चुअली बिकम्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म दैट द कंपनी इज एक्चुअली सेइंग कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं अपनी ऑपरेशंस राइट वी आर ब्रिंगिंग सोलर पैनल्स हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं राइट सो दिस ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस और हम उसको ट्रांसपेरेंटली ऑर्गेनाइजेशन को सॉरी uh, इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं सो सो इन दैट दिस एवरीथिंग यू नो फंड रेजिंग मैकेनिज्म कैन टेक प्लेस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट

सो so, इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग ठीक है सो सो दैट समथिंग लाइक दिस कैन नॉट हैपन एंड ट्रांसपेरेंसी रहे डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी रहे इन्वेस्टर को डिसीजन लेना आसान हो सके फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट की डिस्कलोजर नॉर्म सेबी लेके आए न वॉट आर दीज डिस्लोजर नॉर्म्स ब्रॉट आउट बाई से सबसे पहले तो वेन यू आर ब्रिंगिंग ट्रांजेक्शन बॉन्ड्स पहले आप अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करो दैट दिस इज ट्रांस बॉन्ड हाउ आर यू गोइंग टू इन्फॉर्म दैट बाई डिनोटिंग जी बी टी जी बी टी तो ये जो ट्रांजेक्शन बॉन्ड है इनको एक कोड दिया गया है जी बी टी आई थिंक जी बी टी इज ग्रीन बॉन्ड ट्रांजेक्शन ग्रीन बॉन्ड ट्रांजेक्शन ठीक है सो so, आप अपने इन्वेस्टर्स को बताओ दैट दीज आर डिनोटेड एज जी बी टी सो दैट दे केन नो जीबीटी मीन्स ट्रांजेक्शन बॉन्ड ठीक है यह डिस्कलोजर आपको कहां करना है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में करना है नी कंपनी इज रेजिंग बॉन्ड इशुंगस अपने में ये करना है. So जब की, आप की कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज टू बी डीटेड उसके अलावा अपने इंटरम टारगेट में राइट लाइक आई सेट इफ यू आर रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन तो कितना कर रहे हो दीज टारगेट्स है बोला गया है

इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एक्चुअली में कंपनी कहां पे काम कर रही है वो इन्वेस्टर को पहले से ही पता लग रहा है सो डिटेल्स ऑफ द इंटरम टारगेट्स और इंटर माइल स्टोन इंडिकेटिव टाइमलाइन कि कब तक हम ये माइल स्टोन अचीव कर पाएंगे राइट कार्बन एमिशन कब तक इतने रिड्यूस होंगे 2025 तक 2030 तक जैसे इंडिया बताती है वैसी कंपनीज को भी बताना है राइट सो डिटेल्स ऑफ द टारगेट्स आर सपोज टू बी मेंशन देन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी आप यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल यू नो फिफ्टी गीगा वॉट का हम पूरा वो लगाएंगे सोलर पैनल्स लगाएंगे राइट फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाएंगे राइट right? ई uh, रिक्शा लेके आएंगे तो कोई अगर ऐसा काम कर रहे हो या बैटरीज लेके आ रहे हैं राइट सो इफ एनी सच वर्क इज बिंग डन वट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू आर फॉलोइंग पहले तो अपने टारगेट्स बताने हैं देन यू हैव टू मैंशन व्हाट इज द स्ट्रैटी दैट यू आर फॉलोइंग देन यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे इसके लिए देन फाइनली कोई ऐसी अगर आप कमिटी बना रहे हो जो उसको मॉनिटर करेगी तो आप मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू मकैनिज्मी दूटिलाईजेशन पैसे आपने ले लिए मार्केट से इन्वेस्टर से आपने पैसे ले लिए बट आर यू यूटिलाइजिंग इट इन एनी प्लेस और इन एनी एरिया यू टू यूटिलाइज फॉर सो हाउ विल दिस बी टेकिंग प्लेस सो सुपरविजन या ओवर सी या मोनिटरिंग हैजू बी डन सो वो भी आपको बताना है ऑल्सो मेंशन द टू मकैनिज्मी द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फंड Then Sebi has also recommended. Sebi ने ये भी बोला है कि issuers को they have to have a committee. They have to have a committee, form a committee which will oversee the implementation. So committee बनानी है which will oversee the implementation कि actually में काम हो रहा है या नहीं and जो कि defined targets थे वो achieve हो रहे हैं या नहीं and stock exchanges को responsibility मिली गई है to monitor these disclosures कि actually में companies disclose कर भी रही हैं अपने offer document में ये सब चीजें या ना तो so, ये कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंजेस को से ने रिस्पॉन्सिबिलिटी right? so, uh, करें एंड का टाइम है दो महीने रह गए लुक एट द्रैश दैट वी आर प्रोवाइडिंग एंड ऑल अलॉन्ग विद्रैश को फॉलोइंग ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन स्टॉक एक्सचेंज इज सेबी डिपोजिटरीज क्लियरिंग हाउसेज दीज आर पार्ट ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन अब सेबी तो एक रेगुलेटर राइट इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन दट इज वर्किंग टू वर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडियरी का कोई काम नहीं कर रहा है सिमिलरली एनपीओ भी नहीं सो स्टॉक एक्सचेंज इज डिपोजिटरीज क्लियरिंग हाउसेस दिस इज अबाउट एलई आई ऑलरेडी आरबीआई ने वन मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या होता है एलईआई तो डेफिनेशन दी थी बता दो

RBI directions mandate that non individual borrowers having aggregate exposure of above 5 crore have to have LEI, have to obtain LEI. Okay. Guidelines on LEI are not applicable to PUCBs and NBFCs, they are. Borrowers who fail to obtain LEI from an authorized local operating unit shall not be sanctioned any new exposure.

रिन्यू भी नहीं होगा आपका एग्जिस्टिंग लोन देन ट्रांजिशन बॉन्ड रेफर टू अकॉर्डिंग टू अ पैनल अप इन डैश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर डैश प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल बहुत इजी है अभी हमने डिस्कस करा है दिस इज अबाउट एम आई यस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है this was the last question for today yes this brings us to the end of the session please have a look at the entire session if you have any doubt you can mention to mention us right thanks for watching this